नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पर हमें ट्रेड लेना है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है so, सो मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप अपना भी चेहरा लेकर आया करिए कि हम लोगों आपको मतलब कंफर्टेबल हो पाए और आप लोगों को देख के सो so, बेसिकली आज मैंने कोशिश करी है और आप देख सकते हैं कि राइट साइड में यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ सो so, आप देख सकते हैं ठीक है सो so, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो सबसे पहला स्टॉक जो मैं लेकर आया हूं वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर हिंदुस्तान यूनिलीवर पे मैं बाय करने के लिए ही सजेस्ट करूंगा अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ चार्टो so, आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर एक ट्रेड कर रहा था प्लस आप देख सकते थे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपोर्ट मल्टीपल सपोर्ट्स थे इवेंचुअली सपोर्ट ब्रेक हुआ सपोर्ट ब्रेक होने के बाद वही इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया एंड जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करा तो वो उसके लिए सपोर्ट बन गया ठीक है नेक्स्ट टाइम भी आप यहां देख सकते हैं कि इसने दोबारा सपोर्ट को ब्रेक करा एंड ये इसके लिए एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है ठीक है सो अगर ये टू वन थ्री फाइव को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो या वी कैन गो फॉर अ बाय एक दिन के अंदर ही हम लोग टू वन फाइव जीरो से लेके टू वन फाइव फाइव तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को बता दिया जाएगा ठीक है लेवल्स और किस लेवल पे बाय करना है वो सारे अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी प्लस अगर आप लोग इंटरेस्टेड है मेरा कोर्स ज्वाइन करने में या सिग्नल सर्विस पे तो आप लोग मुझे डिस्काउट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्काउट का सर्वर का लिंक भी आपको नीचे प्रोवाइड हो जाएगा ठीक है सो नेक्स्ट स्टॉक जो आता है वो आता है पी ई एल पैरामल इंटरप्राइज या सो so, इस स्टॉक पे भी बाय करने के लिए मैं ही सलाह दूंगा आप देख सकते थे कि एक फॉल आया एंड फॉल आने के बाद इसने एक डबल बॉटम टाइप सिनारियो बनाया प्लस ये जो ब्लू कलर की आप लाइन देख रहे हैं ये 200 हंड्रेड डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का काम कर रही थी ठीक है सो उसका भी ब्रेकआउट आज के दिन दिया है वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं एक स्टेबल वॉल्यूम्स में चल रहा है सो ये अच्छी बात है टू हंड्रेड डे मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो यह हम एक एक्सपेक्टेशन एक हाई मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्लस आप देख सकते थे कि मल्टीपल रेजिस्टेंस ले रहा था टू हंड्रेड एक्सपोरेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर एंड उसके बाद हम लोग एक फॉल देखते थे बट इवेंचुअली आज क्लोजिंग देने में ये कामयाब रहा है सो so, यहाँ पर हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अगर ये थर्टीन एटी फाइव के ऊपर सस्टेन करता है फिफ्टीन मिनट्स की कैंडल ओके okay. क्योंकि हम लोगों को सस्टेन करने का लेवल इस पर मैं आपकी क्यों सजेस्ट कर रहा हूं बेसिकली आप देख सकते थे कि टू हंड्रेड यहां पर भी ब्रेक करा था एंड नेक्स्ट दिन हम लोगों ने एक रेड कैंडल देखी थी सो so इसीलिए आप लोगों को सजेस्ट करा जा रहा है कि ब्रेकआउट दे चुका है सो so प्रीवियस जैसा दोबारा रिपीट ना हो सो वी हैव टू वेट फॉर द फिफ्टीन मिनट्स कैंडल टू क्लोज फॉर द कन्फर्मेशन ओके सो नेक्स्ट टॉक इज सुमी या सो नेक्स्ट स्टॉक इज मदर सुमी आप जिस तरीके से यहां पर देख सकते हैं लेट मी जूम आउट या सो आप यहां देख सकते हैं कि एक स्ट्रांग मूवमेंट आई एंड एक स्ट्रांग मूवमेंट आने के बाद आप यहां देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न है एंड इसका ब्रेकआउट एक स्ट्रांग कैंडल के साथ दिया आप वॉल्यूम्स देख सकते हैं कि हल्के हल्के स्पर इंक्रीज हो रहे हैं बट मैं ज्यादा वॉल्यूम पर अभी यहां पर ध्यान नहीं दे रहा ठीक है बट आप देख सकते थे एक स्ट्रांग कैंडल के साथ क्लोजिंग देखने को मिली एक हायर रेंज में सो so, अगर बेसिकली कल अगर हम लोगों को इसमें एक डिप मिलती है सो so, या वी कैन गो फॉर अ बाय 121, 120 के आसपास अगर इसमें डिप मिलती है तो हम लोग एक बार बाय इनिशिएट कर सकते हैं हायर लेवल्स पे मुझे ज्यादा नहीं लगता कि ये गैप अप ओपन देगा सो गैप अप ओपन के अगर होता है तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे ठीक है नेक्स्ट स्टॉक इज वेदांता वी वे पे आप देख सकते हैं कि एक डबल बॉटम टाइप सिनेरियो एक शार्प फॉल के बाद हम लोगों ने देखा यहां पर एक बॉटम बना एक पुल बैक आया एंड पुल बैक आने के बाद दोबारा एक डबल बॉटम सिनेरियो एंड एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ एक कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है प्लस अगर मैं थोड़ा सा जूमआउट करके दिखाता हूं और ये लाइन आपको दिखाता हूं सो so, आप देख सकते हैं या अब आप इधर देख सकते हैं कि जो ये बॉटम था एग्जैक्ट इस बॉटम से इस टॉप तक अगर हम लोगों ने फिबोनाची लिया तो जो ये डबल बॉटम सिनेरियो बनाया है ये एग्जैक्ट इसने सिक्स वन एट परसेंट फेबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पर बनाया है जो कि गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो होता है फॉर रिवर्सल्स सो या इस लेवल पे बनाया है तो यहाँ पर हम लोग एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसके जो प्रॉबेबली टारगेट्स आ रहे हैं वो वो से लेके हंड्रेड तक के आ रहे हैं ठीक है जो कि लेवल्स आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर दिए जाएंगे लास्ट टॉक इज इमामी इमामी लिमिटेड आप लोगों को बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जा रही है आपको अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ या सो पहली बात तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में है प्लस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एंड उसके ऊपर हम लोगों ने देखा कि चार दिन ये रेंज कर रहा है अब प्रोबेबली इसके ऊपर भी एक क्लोजिंग दे सकता है तो अबव थ्री एट्टी वी कैन गो फॉर अ बाय इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक ओके अबव थ्री एट्टी हम लोग बाय इनिशिएट कर सकते हैं अब लेट मी शो यू आप यहाँ देखेगा एक थोड़ा सा इस पे रिस्क है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा रिस्क क्या है आप ये स्ट्रोंग कैंडल देख रहे हैं और स्ट्रॉन्ग कैंडल का नीचे का वॉल्यूम देखेगा एंड प्लस अगर आप ये छोटी सी कैंडल डोजी कैंडल एंड उसका आप वॉल्यूम देखेगा एंड आज की कैंडल का अगर आप वॉल्यूम देखेगा आप कंपेयर कर सकते हैं कि, कि किस तरीके की बॉडी एंड वॉल्यूम है सो हायर साइड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं सो so ये ब्रेकआउट के लिए भी हो सकता है और अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ आप लोगों को या आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट ये जो हम लोगों ने देखा था एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई एंड स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आने के बाद यहाँ पर ही वॉल्यूम्स पर हो रहे हैं वो भी छोटी डोजी कैंडल्स पे सो so ये एक रिवर्सल भी हो सकता है मतलब जहाँ पर इन लोगों ने एक्यूमिलेट करा होगा वो यहाँ पर सेल करने के बारे में भी सोच सकते हैं सो थ्री एट्टी के ऊपर मैं ये सलाह दूंगा कन्फर्मेशन के लिए कि अगर 15 मिनट्स की कैंडल उसके ऊपर क्लोज होती है सो so या वी कैन गो फॉर अ बाय बट ज्यादा टारगेट्स एक्सपेक्ट मत करना रहे स्टॉक के अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ ब्रेक और मेक इवन लेवल है अगर इसके ऊपर ये जाता है तो प्रॉब्बली अच्छे लेवल्स आ सकते हैं बट अगर ब्रेक करता है तो हम लोग एक सेलिंग भी इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो कॉशियसली इसके अंदर ट्रेड इनिशिएट करेगा अगर हम बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की तो मैंने आप लोगों को कहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी भी मार्केट बुलिश ही है एंड अगर मैं इसके टारगेट्स फाइंड करने की कोशिश करता हूँ प्रॉब्ली सो अगर हम लोग इसको फिबोनाची बोनाची एक्सटेंशन के थ्रू फाइंड करते हैं So, yeah, इसका फर्स्ट टारगेट जो था वो फर्स्ट टारगेट था 11,400 का 12,400 का जो कि प्रोबेबली अचीव हो गया था नेक्स्ट टारगेट जो इसका आ रहा है विदाउट एनी रेजिस्टेंस लेट मी शो यू 12,560 का 12,565,70 का एक प्रोबेबली नॉन रेजिस्टेंस टारगेट है वहां पर एक रेजिस्टेंस रिवर्सल के लिए सो so वहां तक प्रॉबली आराम तक जा सकता है एंड अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो अभी भी हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑब्वियसली बाय है क्योंकि अभी तक हम लोगों को मैं इसमें एक सेल ऑफ नहीं देखने को मिला एक दिन भी अब आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट इसने इस लेवल के ऊपर भी गया था मैंने आपको सजेस्ट करा था कि अगर यहां पर ये यह आता और रिवर्स करता है तो या वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट बट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गैप अप ओपन ही इस लेवल पे हुआ एंड 15 मिनट का अगर आप चार्ट ओपन करेंगे तो देखेंगे एग्जैक्ट इस लेवल पे सपोर्ट लिया एंड एक दोबारा बाउंस आया था लास्ट आर्स के अंदर सो so, या मतलब ये लेवल होल्ड कर रहा है और ये लेवल एक अप सपोर्ट का, का काम कर रहा है सो so, अगर इसके नीचे आता है तो हम लोग शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं बट अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर बाई ही है ठीक है निफ्टी का हम लोगों को टारगेट्स पता अगर हम लोग बैंक निफ्टी के टारगेट्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं सो बैंक निफ्टी के जो टारगेट्स आ रहे हैं प्रॉबली वी कैन एक्सपेक्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी लेवल्स 28,000 से ट्वेंटी एट लेवल्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बिट uh, कॉशियस रहना निफ्टी पे आप लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 12,550 टू 570. ओके सो बेसिकली ये थी मेरी एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट बात और मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि हम लोगों ने अपना फायरस पे अकाउंट तो ओपन कर लिया बट वहां पर एक थर्टी डेज चैलेंज है जो कि सेम है जरो पे था तो अब हमें अगर उस थर्टी डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करना है क्योंकि अगर आप वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और अगर आप थर्टी डेज के बाद प्रॉफिट पर निकलते हैं तो डेफिनेटली जितना भी आपका ब्रोकरेज लगा होगा लॉस या प्रॉफिट पे वो आपको बिल्कुल रिफंड हो जाएगा अप टू टेन थाउजेंड तक का सो so मैं उसके लिए एक वीडियो कल ले आऊंगा मैंने वो वीडियो बना ली है छह मिनट की आप लोग देख सकते हैं डेफिनेटली आपको कुछ इंटरेस्टेड और फायदा भी जरूर मिलेगा और हम लोग मिलते हैं कल अगली वीडियो पर मैं शिवाज भसीन साइनिंग ऑफ